नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान, न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में कि इंसोम्निया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंसोम्निया क्या है। इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी। ऐसे में व्यक्ति को सोने में असुविधाएँ जैसे कि नींद की कमी या नींद पूरी ना होने जैसी समस्याएँ रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर होता है, उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती हैं। ये समस्या एक हफ्ते या लगातार भी रह सकती है। इसके लक्षण होते हैं, अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाते हैं, आपको थकान रहेगी, आप बहुत थकावट महसूस करेंगे, आपके सर में और शरीर में दर्द रहेगा। इसके कारण हो सकते हैं तनाव। तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग पर्सन हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं या आपके घर में कोई समस्या है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं जो कि आपकी नींद को प्रभावित करती है, तो उसके कारण भी इंसोम्निया की समस्या रह सकती हैं। अगर आपको सोने से पहले आप मोबाइल फ़ोन, टीवी या लैपटॉप या किसी भी प्रकार का स्क्रीन उपयोग करते हैं, स्क्रीन अगर आप चला रहे हैं तो आपको नींद, आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। साथ के साथ आपका खाने का जो समय है या आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं रात के टाइम पे, जो हमारा खाना है रात का वो बहुत हल्का होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके रात को सोने की समस्या को बढ़ा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन होना या एसिडिटी जैसी समस्याएँ भी हो जाती हैं। हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे को डॉक्टर से जब अगर आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया है और आपको नींद नहीं आ रही है, एक हफ्ता हो गया है या दो हफ्ते हो गए, अगर आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपको सोने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई या अल्कोहल की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको रात में सोते टाइम आपके पैरों में झनझनाहट या खिंचाव या कोई दर्द महसूस करते हैं तो आपको डॉक्टर्स की सहायता ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर हो सकता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको इंसोम्निया के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।